during our JEE preparation that even though we have covered the syllabus, even though हम यार कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, हमको confidence नहीं आता उन topics में, हमको practice करने का मन नहीं करता है, हम tough questions नहीं solve कर पाते, हम कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं, हम अपने आसपास वालों को देखते हैं यार वो tough tough अच्छे अच्छे questions भी solve कर पा रहे हैं, but हमसे वो चीज नहीं हो पा रही। आज के वीडियो में इस चीज का सोल्यूशन बहुत ही लॉजिकल वे से आपको प्रेजेंट करने वाला हूं मैं, एक ऐसे तरीके से जिसको सुनने के बाद यार आपके मतलब प्रॉपर दिमाग में बैठ जाएगा कि किस तरीके से ये जे का पूरा सिस्टम डिजाइन हुआ है, किस तरीके से यू कैन हैक इनटू इट। डू नॉट मिस आउट दिस वीडियो, और पूरी वीडियो देखना यार स्टार्टिंग से एंड तक, एंड 2x पे पहले ही करना है, 2x पे कर लो, लेकिन वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। लेट अस क्विकली गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। My name is Iknoor Singh and I'm a student of IIT Bombay here on YouTube to help you guys out in your preparation through the joint entrance examinations. अब यार आज का टॉपिक मैंने जैसा कि बोला इतना रेलिवेंट और इतना कॉमन प्लेस है इस जेई के वर्ल्ड में, जहां पे हम यार डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स इतने सारे चैप्टर्स कवर कर रहे होते हैं, बट फिर भी यार वो जो कॉन्फिडेंस वाली होती है ना बात की, हाँ आप मुझसे कुछ भी पूछ लो यार इस टॉपिक में मेरे को सब आता है, एक ऐसा क्वेश्चन ले आओ मेरे सामने जो मैं ना कर पाऊं, ठीक है, वो वाला कॉन्फिडेंस बहुत ही कम चैप्टर्स में या शायद किसी भी चैप्टर में हमको नहीं आता। बट हम अपने आसपास तो देखते हैं लोग वही वाले कॉन्फिडेंस को परस्यू कर रहे होते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा रहे होते हैं, और उस कॉन्फिडेंस के साथ ही वो इतना सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, टफ टफ क्वेश्चंस भी। सो हाउ आर दीज टॉप रैंकर्स डूइंग इट, ऐसा ऐसा क्या किया है उन्होंने, ऐसा कैसे डिफरेंस आ गया है उनमें और तुम्हें, एंड कैसे इस चीज को लॉजिकली समझते हुए हम भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एकदम टॉप क्लास कर सकते हैं। आज की वीडियो को यार जिस भी पॉइंट पे लगे तुमको कि कुछ भी रेलेवेंट बात एंड यूजफुल बात आपके लिए है, प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड प्लीज प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी क्विकली रीच अ फैमिली ऑफ 50,000। आई ऑल्सो लाइक टू थैंक अन अकेडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सो टुमारो 13th ऑफ फेब्रुअरी इज गोइंग टू बी योर लास्ट अटेम्प्ट एट द अन अकेडमी प्रोडिजी, जो कि यार आपको अप टू 20 लाख का कॉलेज ग्रांट विन करने का मौका दे रहा है। ऑल्सो ये सब लोगों के लिए 7th, 8th, 9th, 10th इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए ओपन है। ऑल इंडिया लेवल का ये टेस्ट होने वाला है, वेर यू गेट अ लॉट ऑफ प्राइजेस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स ऑन द अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो इसको जरूर देना यार, कल इसका लास्ट अटेम्प्ट है। एंड ऑल्सो अन अकेडमी की ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर जे 2022 फेब्रुअरी 13th को एंड एवरी संडे के हो रही है 2 to 5 PM। ऑल इंडिया लेवल के ये टेस्ट हो रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स बना रहे हैं, इसकी डिटेल टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलने वाली है सो दैट यू नो कहां पे आपको इंप्रूव करना है। दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूजिंग द कोड इग्नोर सिंह। अनअकैडमी के न्यू बैचेस यार स्टार्ट हो रहे हैं 2023-24 के लिए बाय द टॉप एजुकेटर्स, एंड प्रॉपर बैकलॉग कवरेज वगैरह इसमें होने वाली है आपकी। 2022 के भी प्रैक्टिस सीरीज 2.0 एंड मिशन 2.0 बैचेस आर लॉन्चिंग ऑन द 16th ऑफ फेब्रुअरी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए यार अनअकैडमी का स्पेशल प्लस एन आइकॉनिक ऑफर चल रहा है, यूज द कोड इग्नोर सिंह, आपको 10% ऑफ तो मिलता ही है, साथ में 3 months, 6 months, 12 months, 24 months की प्लस सब्सक्रिप्शंस पे आपको ये सारी एक्सटेंशन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मिल रही है। Alright, so jumping into the topic, jumping into the example जिसके बारे में मैं बात कर रहा था यार, I'll take you back to your young days, जब हम बहुत ही छोटे थे, मान लो 2-3 साल के शायद आप होते हो तब की बातें हैं ये, पता नहीं आपको याद होंगी, पता नहीं आपको, हो सकता है भूल गए हो सकता है याद हो, लेकिन definitely relate आप जरूर कर पाएंगे क्योंकि आसपास आपने किसी को देखा होगा। अब I actually want to talk about the time when you did not know how to write ABCD। कभी ना कभी तो हम सीखते हैं कि ABCD कैसे लिखी जाती है, क्या होता है उसमें, हमें आता नहीं ऑब्वियसली, कोई भी मतलब पैदा होते ही ऐसे नहीं कि भाई जी आए हम और सीधा ये लिखने लग गए, BCD सब लिखने लग गए, नहीं नहीं, हमको हमारे पेरेंट्स हाथ पकड़ के वो पहला ए बनाना सिखाते हैं, ठीक है, टीचर्स पेरेंट्स जो भी मतलब भाई बहन, वो पहला ए बनाते हैं, हम उसके बाद क्या करते हैं ऐसे खराब सा कुछ बना देते हैं, ठीक है, वो फिर से हमको बनाना सिखाते हैं ऐसे हाथ पकड़ के, हम फिर से कुछ उल्टा सीधा बनाते हैं, फिर क्या करते हैं धीरे धीरे करके टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसा ए बनाएंगे हम, ठीक है, कुछ कुछ करके, और वो हमारा पहला मतलब रेलिवेंट ए होता है, हमको दिख रहा होता है कि हाँ यार कुछ 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 अब बनाना शुरू किया है, एटलीस्ट ए नहीं तो भाई ए की शेप में कुछ हमने बनाना शुरू किया। ग्रेजुअली ऑन एंड ऑन वो ए परफेक्ट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट, बोलते हैं यार ये पूरी नोटबुक भरो अब तुम्हें ये लिखना आ गया। स्कूल में होता है बहुत ही कॉमन टास्क, मुझे याद है नर्सरी में हमारे करवाते थे, एंड बहुत सारे मतलब मोस्टली स्कूल्स में करवाते हैं,
एक पूरे पेज पे आप ए लिखो, कैपिटल ए लिखो, उसके बाद स्मॉल ए से पूरा पेज भर दो, ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन. वो क्या हो रही है यार, बचपन में ही प्रैक्टिस चालू हो रही है. द आइडिया ऑफ प्रैक्टिस डेवलप्स एट दैट यंगर एज. तो वहां पे आपने इतनी बार ए लिखा, इतनी बार ए लिखा, इतने पेजेस भरे हमने ए लिख के, तब जाके कहीं हमको ए लिखना आया था, तब जाके कहीं आप वो ए कॉन्फिडेंटली लिख पाए थे. आज आपसे कोई भी पूछ ले यार क्या तुम मेरे को ए लिख के दिखा सकते हो, भाई क्या मतलब, आंखें बंद करके मैं ए लिख दूंगा, क्या बातें कर रहे हो तुम. ठीक है, तो ये ए लिखने का कॉन्फिडेंस आप में कहां से आया, वो पावर कहां से आई, वो पावर वो बचपन की प्रैक्टिस से आई है, वो रेपिटेटिव नेचर ऑफ डूइंग इट अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिसिंग गेटिंग एक्सपोज टू दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज वाई यू कैन आज राइट कॉन्फिडेंटली ए. कितना बेसिक सा एग्जाम्पल है ना, कितनी मतलब स्मॉल छोटी सी चीज है जो आप समझ रहे हो. अब यहीं पे जेई से रिलेट करो, काफी सारे लोग समझ चुके होंगे किस बात पे हम जा रहे हैं, लेकिन जेई में भी यार कुछ ऐसे ही टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी ही चीजें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है. यू नीड टू गेट एक्सपोज टू दिस. अब पढ़ाया हमको ए गया है, जेई के एग्जाम में बी आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, हमसे तो नहीं होगा, हमने तो ए की बहुत सारी प्रैक्टिस करी, ए के क्वेश्चन हमने बार बार करे, ए को हमने घूम फिर के अलग अलग तरीके से लिखना सीखा, कैपिटल ए स्मॉल ए सब कुछ, लेकिन बी तो हमने टच ही नहीं किया. बी हमने बोला भैया ये चैप्टर छोड़ दूं, वो वाला हमारा बी हो गया, क्वेश्चन आ गया भाई बी बनाओ. अब वो ए का क्या फायदा जब हमने बी बिल्कुल भी नहीं सीखा, करेगा कौन वो बी, जिसने ए बी सी डी हर टाइप की प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ज्यादा प्रैक्टिस की होगी. प्रैक्टिस 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 बार बार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं यार, यही रीजन है. वो जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो बंदा ए बी सी डी ई एफ पूरा जेड तक लिख के आया है, मतलब आप समझ रहे होंगे लॉजिक किस तरफ जा रहा है, जो अलग अलग सोर्सेस से रेपिटेटिव तरीके से प्रैक्टिस वेरियस सोर्सेस से करके आ रहा है, That is going to be the person जो जाके confidence दिखाएगा paper में, उस confidence के साथ problem solve करेगा, because he has been exposed to that kind of problem. अब इससे मतलब कुछ conclusions जो draw होते हैं यार, सबसे पहले तो आपका confidence तब develop होगा when you are exposed to a variety of problems and you have practiced it again and again. बार बार करने से ही सीखेंगे हम, अपनी गलतियों से ही सीखेंगे हम. वो जो हाथ पकड़ने का तरीका बताया था ना ए लिखने का, वो आप इनिशियल डेज ऑफ योर जेई में होते हो, या इवन बहुत लोग फाइनल डेज तक भी ऐसे होते हैं, सॉल्यूशंस देख के, अपनी गलतियों से सीख के, उसको अप्लाई करने की कोशिश, याद करने की कोशिश, यार वो हाथ में कैसे लिखवाया था, वो कैसे मतलब सॉल्यूशन में था, उसको अप्लाई करेंगे अगली बार, वो सीखने का प्रोसेस है. ठीक है, तो उन डेज से हम आए पूरे पेज भरने के, बुक्स से बुक्स भरती रही, प्रैक्टिस 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 कर करके पेपर्स जितने मिल रहे हैं कर डाले, एंड उससे हमारी ये जो थिंकिंग है वो डेवलप हो रही है. एट द एंड ऑफ द डे हम इतनी जो भागदौड़ में लगे होते हैं जेई के दौरान, दैट इज ऑल फॉर अ क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने आने वाला है, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं इन अ लिमिटेड टाइम. तो उस चीज को जितने अच्छे से, जितने प्रॉपरली आपने प्रैक्टिस किया होगा, जितनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपने करी होगी, उतना ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको आपका रैंक और आपके डिजायर्ड कॉलेजेस में पहुंचाने वाला है. ठीक है, वही बात रह गई फिर से घूम फिर के, कि दिस एंटायर सिस्टम ऑफ जेई कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू सच अ सिंपल एग्जाम्पल, एक एबीसीडी की तरह. अपने अपने बचपन की याद से मैंने आपको रिलेट करवा दिया, एंड होपफुली इससे आंसर हो गया होगा. बहुत सारे लोग पूछते हैं यार हमारे में कॉन्फिडेंस उतना क्यों नहीं है जितना बाकियों में है, हम क्यों नहीं मतलब ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम्स कर पाते, हम क्यों मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप क्यों बोलते रहते हो यार, कितनी बोरिंग होती है प्रैक्टिस. यार वो बोरिंग एबीसीडी भी शायद लिखना था हमारे लिए, लेकिन आज उसका फायदा हमको दिखता है. ठीक है, शायद एबीसीडी लिखने से पता नहीं आपको क्या फायदा हो रहा है, शायद आप अभी कुछ ना कर पाते, लेकिन ये जो जेई के बार बार प्रैक्टिस करके आप इंप्लीमेंट करोगे इस चीज को, इस लर्निंग को, इस एग्जाम्पल के थ्रू, That is what you will feel in your JEE का paper, जब आप में वो कॉन्फिडेंस आके वो जो फीलिंग होगी ना, ये क्वेश्चन मैंने किया है, ये क्वेश्चन वैसा वैसा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में मैं उस क्वेश्चन जैसा कुछ कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं ऐसा कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू नीड टू बिल्ड. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर दिस वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग, लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड मचाते रहो.